इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल सोनू सूद जी ने खुद ट्वीट किया, आपको पता है पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था सोनू सूद जी ने कितनी बड़ी हेल्प की थी, हर कम्युनिटी पे जाके कितना सेवा किया था। उन्होंने खुद बोला है कि भैया जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखो इस मुसीबत के टाइम पे ना हमें मिलके साथ में चलना होगा, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप पढ़ाई करो जी, जान से मेहनत करो, ठीक है। हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ आगे हम देखेंगे। जो नॉलेज होती है, जो पढ़ाई होती है, वो हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है। हम लाइफ में कठिनाइयों से कैसे लड़ेंगे वो सब सिखाता है हमें। लेकिन ये जो मुसीबत हमारे पर है, पिछले एक साल से कॉलेज स्कूल सारे बंद हैं, पढ़ाई हम सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई हम सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। पेपर अब हमारा ऑफलाइन होगा, ठीक है, पेपर हम ऑफलाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया अब का माहौल तो देखो, 4 मई से एग्ज़ाम है और इस टाइम पे आज के दिन में 1.5 लाख कोविड के केसेस डेली मिल रहे हैं, डेली 1.5 लाख केसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको, मुझको, हम सबको मिलके, हर एक टीचर को वीडियो बनानी चाहिए। आज से कुछ दिन पहले एक मुहिम चली थी, ठीक है, SSC वालों ने जॉब के लिए निकाला था। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम एजुकेटर्स का कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि ये हमारे फैमिली, ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है। इनको कुछ होगा क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हमें और आपको मिलकर एक ट्वीट को ट्रेंड करवाना है, कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम 2021, तो ये चल ही रहा है। एक ट्वीट और हमें ये ट्वीट ट्रेंड करवाना है, जान है तो जहान है, हैशटैग जान है तो जहान है, इसको हमें ट्रेंड करवाना है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको टैग करते हुए। मैं ट्विटर हैंडल की लिंक में अपनी ये चीज़ करके आपको कर दूंगा, उसमें आपको रिप्लाई करना है। देखो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। इसमें आपका भला है, आपको इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, आपको और मिल को हमें साथ में आना होगा, तभी ये चीज़ हो सकती है। देखो पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम फोड़ेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन तरीके से। अगर ऐसा केस होगा, सपोज करो जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, अभी क्लास 9, 10, 11, 12 है ना, जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं वो under 18 टीनेजर हैं, ठीक है, ये छोटे बच्चे हैं अभी। सो अभी हमें साथ में मिलकर रखना होगा, या तो भैया कैंसिल करो, या अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो ऑनलाइन लो, क्योंकि पूरे साल भर आपने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते, आप उसकी भी व्यवस्था करो, क्योंकि बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करो कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम दे, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आप बीमार पड़ोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक जब आप स्वस्थ हो तो ये जो धन दौलत है, रुपया पैसा, सब का मोल है, लेकिन जब आप अस्वस्थ हो जाते हो ना, इनका कोई मोल नहीं रहता, ठीक है, इनका कोई मोल नहीं है, ठीक है। तो अच्छे शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो देखो सब चीज़ नॉर्मल रहती है, हम एग्ज़ाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे जो ये नई स्ट्रेन आई है, नया स्ट्रेन चल रहा है हमारा कोरोना वायरस का, ये और घातक है, और घातक है, और तेज़ी से फैल रहा है। आपको बता दूं, मैं अभी उत्तराखंड में हूँ, यहाँ पर सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं 30 अप्रैल तक। अभी जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद सुन के शॉक्ड हूँ। तो देखो पढ़ाई से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई मत करना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों, पढ़ाई करना है हमें अभी इस लेके एंड तक, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। मैं आपको हमेशा ये चेतावनी दे रहा हूँ कि भैया पढ़ाई तो करना ही है हमें, ठीक है, पढ़ाई करना है हमें, फोड़ना है एग्ज़ाम में, और हम, मैं और आप मिलके मेहनत करेंगे। आप तो पढ़ ही रहे हो, मैं आपके लिए डे देखो कितने कितने वीडियो दे रहा हूँ दिन में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बस हमें साथ में मिलकर चलना है और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, हर जगह शेयर करना है। देखते हैं आप इस वीडियो पर कितना लाइक देते हो और इस वीडियो को क्या ट्रेंडिंग में पहुँचा सकते हो, क्या ट्रेंडिंग में पहुँचा सकते हो, क्योंकि एजुकेशन का कोई भी वीडियो आज तक ट्रेंडिंग में नहीं पहुँचा है। मैं तो कभी सोचता भी नहीं कि मेरी वीडियो कभी ट्रेंडिंग में पहुंचेगी, ये सब कभी नहीं सोचता, लेकिन मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, क्या ये आप इस वीडियो को ट्रेंडिंग में पहुंचा सकते हो, क्या आप में ये शक्ति है, हम यूनाइट होना है हमें, हमारी ये जो कम्युनिटी है 10th और 12th बोर्ड्स वालों की, हम सबको मिलकर साथ में आना होगा, तभी हमारा कुछ होगा, तभी ये न्यूज़ लोगों तक पहुँच पाएगी।
कि भैया पूरे साल भर आपने पढ़ाई ऑनलाइन करवाई, आप एग्ज़ाम आप ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते? हालात को देखो, हालात को देखो, हमें मिलके कैसा करना होगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल सोनू सूद जी ने खुद ट्वीट किया, आपको पता है पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था सोनू सूद जी ने कितनी बड़ी हेल्प की थी, हर कम्युनिटी पे जाके कितना सेवा किया था। उन्होंने खुद बोला है कि भैया जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ठीक है? इतने एजुकेटेड पर्सन है सोनू सूद, वो खुद कह रहे हैं, ठीक? तो आपको उनकी बात का मान रखना है। श्री जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके हमारी बातों को आप ध्यान में रखें और जो सही डिसीजन हो उसी को लें। थैंक यू।